क्या हुआ, तुम्हारे पिताजी पोस्टमास्टर जी नहीं आए? हाँ, मैं तो आई हूँ ना। हाँ चलो भैया उतरो, यही रास्ता है भैया। अरे वो है किस तरफ, पता नहीं किस तरफ है। लो ये भी उठाओ। ठीक से रखो। अरे 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 संभाल के रखो भैया, अरे सिर पर रखो ना भैया, अरे आराम से चले चले। हे भगवान, यहाँ से तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इधर आ। ओए लौंडिया, कैसे का? मेरा नाम है रानी, बड़ा आया राजा कहीं का, जो ए ए करके मुझे बोल रहा है। अरे बिल्कुल सही पहचाना, मेरा नाम सच में राजा ही है। ठीक है ठीक है। हाँ सुन लौंडिया, रानी रानी जी, यहाँ से रत्नगिरी कितनी दूर है? हाँ, अगर पैदल जाओगे तो 15 मिनट लगेंगे, गाड़ी में जाओगे तो 5 मिनट लगेंगे। ये तो बोले ही जा रही है। क्या बोला? कुछ नहीं, तुम्हारी जबान बहुत मीठी है, यही कह रहा था। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। रुक ना, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। अच्छा तो ये बताओ राजा, हमारे गांव किस काम के लिए आए हो? कोई काम करने नहीं, काम की तलाश में आया हूँ। काम? वो भी हमारे गांव में? क्या तुम्हारे गांव में लोग काम नहीं करते? कहीं महात्मा गांधी जी के नियम की तरह तो नहीं है, अपना काम स्वयं करो? सही कहा। ये तो आश्चर्य की बात है। यहाँ से ये जगह देखोगे तो चौंक जाओगे। क्या? वो देखो, उस नदी के बीच में पहाड़ है, उसके ऊपर एक किला है, दिख रहा है? बहुत पुराना है, वहाँ कभी राजा महाराजा रहा करते थे, कोई भी गलती करता मार देते थे। अरे वाह, तुम्हारी बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब आ गए। अच्छा ये क्या कोई किला है क्या? यही तो असली किला है, कभी इसमें राजा और रानी रहा करते थे, अब कोई नहीं रहता है, जब लोग यहाँ से गए सब खाली करके ले गए। तब तो तुम्हारे गांव के मंदिर में जो भगवान है उसे हड़पने के लिए भी यहाँ पर बड़े बड़े लोग होंगे। अच्छा ये बताओ, तुम उम्र में तो बहुत कम हो लेकिन महाभारत की तरह सारी बातें जानती हो, ये सब तुम्हें किसने बताया? मेरे दादा ने बताया। तो तुम्हारे दादा क्या करते हैं? हे तुम रो क्यों रही हो? मेरे दादा तो मर गए हैं। तुम रो नहीं, नहीं तो कोई देखेगा तो मैंने कुछ किया ऐसा सोचेगा। मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ, मैं चलता हूँ। ये पता नहीं कहाँ से मिल गई। पागल कहीं का। पिताजी कॉफी। वहाँ रख दो बेटी। क्यों बेटी, घर का जितना भी काम तस हो गया है क्या? अरे ओ चंदर, कहाँ मर गया रे तू? क्यों अभी तक तुमने दांत वांत नहीं मांजे क्या? वो मेरी है। अरे ओ चंदर, क्यों रे, सूरज आसमान पे चढ़ गया, अभी तक 4 मटके पानी लाया है। सुनो मालकिन जी, हमारे 10 हाथ नहीं है, 2 है। सुबह होते ही गाय का दूध निकालना, फिर भैंसों की साफ सफाई भी करनी होती है, और साथ में इन बर्तनों को मांजना भी होता है। फिर आप बोलती है कपड़े धो दिए हैं क्या, पानी भर दिया है क्या? मम्मी मुझे अभी तक किसी ने भी नहीं नहलाया। देख लिया बच्चा क्या कह रहा है। अरे हे मेरे भगवान, ये घर में रहते हैं, इसे स्कूल जाना है, फिर नहलाएगा कौन? बेटी से पूछ लो, मैंने ही तो नहलाया। सिर्फ तू ही नहीं, इस घर में जितने भी हैं, मुझे और मेरे बेटे को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए जो भी ऐसा बोलेगा उसके मुँह में कीड़े पड़ेंगे। अरे हे मेरे भगवान, ये क्या बोल रही है ठाकुर जी, आप इनकी ये बातें कैसे सह रहे हैं? क्यों जी, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? ऐसे गला फाड़ फाड़ कर पूछोगी तो मुझे भी शक हो जाता है। तुम तो खुद
दीदी देख रहे हो ना उसने कैसी बात बोल दी। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो इनके जैसा आदमी मिला। ऊपर से ये काम चोर भी गलती करती है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है छोटी माँ, मैंने तो इसे कहा था नहाने के लिए, लेकिन इसने कहा ऐसा बोलने वाली मैं कौन होती हूँ। मम्मी ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसे नहीं बोला। नहीं बोला? तू ऐसे झूठ क्यों बोल रहा है? क्या इसका मतलब मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? छोटी माँ चल रहे हैं। रो मत बेटी। मुझे मारा उसका दुख नहीं है, लेकिन आपको बुरा भला बोला उसका मुझे दुख है। एक आदमी की एक ही पत्नी होनी चाहिए, यही संप्रदाय है। लोगों की बातों में आकर मैंने दूसरी शादी की, यही मेरी भूल है। चलो। क्यों भैया, आज भी मारा मारे की शर्त है क्या? ही हाँ ही। एक बार जो शर्त लगा लेता है उसे दोबारा नहीं दोहराता है श्याम बाबू। आज एक नई शर्त है, नारियल तोड़ने की शर्त। इस नारियल को हाथ की मार से तोड़ना है। अरे छोड़िए ना, इस गांव में हाथ से नारियल तोड़ने वाला भला कौन है आपके सिवाय। तोड़ने वाले को 500 रुपया का इनाम, नहीं तोड़ा तो 2 कोड़े खाने पड़ेंगे। 500 रुपये मिलेंगे तो ठीक है, मैं तोड़ता हूँ। नारियल लाओ, हंटर लाओ। मर गया रे। यहाँ कोई और मर्द है मुझसे शर्त लगाने वाला? अगर है तो आगे आए, मैं तोड़ूंगा। तूने क्या कहा, तू हाथ से इस नारियल को तोड़ने वाला है? लगता है तू इस गांव में नया है। गांव में नया जरूर हूँ, लेकिन मैं नामर्द नहीं हूँ। नारियल को हाथ से तोड़ने पर तुम 500 रुपए दे रहे हो, अगर कोहनी से नारियल तोड़ूंगा तो कितना दोगे? कोहनी से? अगर तोड़ दिया तो 999 रुपया और 50 पैसे दूंगा, और अगर नारियल नहीं टूटा तो 9 कोड़े खाने पड़ेंगे, मंजूर है? अरे ओ नारियल, नारियल दे। इन दोनों टुकड़ों से मसल कर अगर नारियल का तेल निकालो तो क्या दोगे? 999 रुपया। अरे रुकिए, अरे वो सही में मसल के तेल निकाल देगा, उसे उसके पैसे दे दो। मेरी इजाजत के बिना यहाँ कोई किसी को चांटा भी नहीं मार सकता, फिर भी किसी ने नारियल तोड़ने की हिम्मत की, कौन है वो? वो इस गांव में नया आया है काम की तलाश में। मालिक मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है वो यहाँ किसी काम की तलाश में नहीं आया है। मुझे तो यहाँ वो किसी खोजबीन में आया हुआ कोई CID का अफसर लगता है। अगर मेरा शक सही निकला तो हम लोगों का झंडा नीचे झुक जाए। ऐसी बातें मत करो शास्त्री, ये पागलपन है। नागभूषण जी, काम की तलाश में इस गांव में आने वाले को तुम किसी भी तरह काम की लालच देकर मेरे पास पकड़ के ले आओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। सही कहा पिताजी, जाओ। ठीक है। हाँ, जो बात आपने सोची है अगर वो हो गई तो झंडा ऊंचा जाए। ये सही है। अरे ओ मंगल जी, मैं इस गांव का पोस्टमास्टर हूँ और तुम पोस्टमैन हो। हाँ। तुम अपना काम छोड़ के बैंड बजाते रहते हो, एक की चिट्ठी दूसरे को देकर, दूसरी की चिट्ठी तीसरे को देकर, क्यों अपनी जिम्मेदारियों से खेल रहे हो? ये ले, सही जगह देकर आ जी। जा। ठीक है पिताजी। हाँ बेटी आया। नाश्ता नहीं करना है क्या? ओफो, आ रहा हूँ ना बेटी। पिताजी ये लोटा ऊपर से कैसे आया? बताना भूल गया, एक लड़के को मैंने ऊपर किराए पे छोड़ा है, शायद उसी का होगा। हाँ, ये लोटा पहले भी कहीं देखा है। हाँ, वो लोटा और ये लोटा एक सा लगता है, कहीं उसी का तो नहीं है? तू यहाँ क्यों आई है? हाँ, मेरे घर में तू आकर मुझसे पूछा कि मैं क्यों आई हूँ। तो ये हमारा घर है? तुम्हारा नहीं, मेरा है। अरे वो किला तुम्हारा, ये घर भी तुम्हारा। सुनो, ये सब का सब मेरा है। है? अपनी बातों से लोगों को उल्लू बनाती हो। ये बात नहीं है, धीरे धीरे मेरे बारे में मैं क्या हूँ जान जाओगे। अरे वाह, एक बार फिर बोलो तो। धीरे धीरे मेरे बारे में मैं क्या हूँ जान जाओगे। बात गए, बात गए। अरे वैसे तुम भी बहुत कुछ जानते हो, फिर से करो, फिर से करो। नहीं। आ, मुझे आ गया।
ओहो, मेरा लोटा तो कुएं में गिर गया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? गिर गया जाने दो, मैं तुम्हें अच्छी लगी, तुम मुझे अच्छी लगी। अरे सुनो भैया, भवानी प्रसाद ने तुम्हें काम देने के लिए बुलाया है। ठीक है, आता हूँ, बोलना। देख लिया, तुम्हारे घर के अंदर कदम रखते ही नौकरी का बुलावा आ गया। ज्यादा खुश मत हो, भवानी प्रसाद ने तुम्हें काम पे बुलाया है, यानी दाल में कुछ काला है। तब तो उससे मेरा मिलना बहुत ही जरूरी है। ये पंजा काम करेगा। तेरा नाम क्या है? राजा। इस गांव का राजकुमार और राजा भी, और राजाओं का राजा नरेंद्र मैं ही हूँ। अपना नाम बदल लो। ये राजा दूसरे राजाओं का रंक बना देता है, ऐसी खासियत है इसमें। मैं विक्रम सिंह राजा हूँ, और तुम मुझसे नाम बदलने के लिए कह रहे हो? तुझे गांव में आए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और मिनट और सेकंड की बात कर रहा है तू। रोजाना इस तरह की कितनी बातें करता है? आप गिनती नहीं कर सकेंगे। क्या? क्या काम करने के लिए तू यहाँ आया है? नीति न्याय और धर्म के अधीन काम करने आया हूँ। अच्छा, अगर अन्याय या धर्म का काम हो तो नहीं करोगे क्या? नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, करने वाले को चीर के भी रख दूंगा, बिल्कुल नारियल की तरह। मालिक, इसकी बातें तो सुनकर लगता है कि झंडा नीचा। मेरे सामने पागलों सी बातें मत करो शास्त्री, मैं पहले से ही परेशान हूँ। सुनिए भैया श्याम बाबू, हमारी बैंड की दुकान का उद्घाटन कीजिए। ओहो, तुम लोग बहुत ही जबरदस्ती कर रहे हो। आज तक मैंने बहुत सी दुकानों का उद्घाटन किया, लेकिन बैंड की दुकान का पहली बार है। ओके ओके। रिबन काटते ही वीरेंद्र ठाकुर की बैलगाड़ी दौड़ने लगी। सुनो बेटी, घबराओ नहीं, पैरों में हल्के खरोच आई है, घर ले जाके ये दवाई दे देना। बेटे, ना जाने कहां से तुमने तो फरिश्ता बनकर आकर इस बूढ़े की जान बचा ली। अरे ठाकुर, ये क्या कह रहे हो? इस उम्र में ये सब क्यों? खेतों की देखभाल करने के लिए, अनाज लाने ले जाने के लिए एक अच्छा सुपरवाइजर क्यों नहीं रख लेते हो? मेरे घर में कौन काम कर पाएगा? अगर आपका आपत्ति ना हो तो सुपरवाइजर का काम मैं करूंगा। तुम नहीं जानते बेटे, मेरे घर में एक राक्षसी रहती है, वो तो मेरी बेटी को भी बहुत सताती है और मैं कुछ भी नहीं बोल पाता हूँ। मैं समझ गया, आपकी कहानी में समझ गया ठाकुर साहब। कांटे को कांटे से निकालते हैं, पत्थर का जवाब ईंट से देते हैं। मैं उन्हें मिनटों में बदल के दिखा दूंगा। इतना सब क्यों मुझे नौकरी पर रखिए, मैं क्या चीज हूँ दिखा दूंगा, बिल्कुल नारियल की तरह। तो ठीक है बेटे। क्यों राजा, ठाकुर साहब के वहाँ तुम्हें काम मिल गया? उसके लिए धोती बांधने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे बांधी नहीं जा रही है। तुम्हें बांधना आता है? क्या मतलब, मुझे धोती बांधना नहीं आता। तो मुझे बांध के दो ना। तो सीधे खड़े रहो। क्या हुआ? गुदगुदी हो रही है। वो ऐसा कुछ भी नहीं, सीधे खड़े रहो। इसे इस तरह से लपेट कर। अब फिर से क्या हुआ? गुदगुदी हो रही है। मैं बांध रही हूँ ना, सीधे खड़े रहो। तुम्हारी कमर छूते ही तुम औरतों की तरह क्यों हिलने लगते हो? मुझे वहाँ गुदगुदी होती है। तो फिर मैंने बांधी, पकड़ो। ये क्या, ये इस तरह ही मेरे हाथ में देके जा रही हो? मैं इसका क्या करूँगा? अचार बना के खाने के साथ खा लेना। लेट गए ना, ये बीमारी तो तुम्हारी रोज की है। खुद पड़े रहना और ये काम जो तुम्हारी सेवा करती रहेगी। उल्लू की पट्टी। तुलसी माँ, मेरा आदमी तो धर्मात्मा है, गांव में सबको कर्जा दिया है, लेकिन एक ने भी वापस नहीं किया। और वो मूछों वाला बद्री रावण की तरह बैठा रहता है, पैसे नहीं लौटाता है। अब तो तुलसी माँ तू ही कुछ कर। कौन है तू? सुपरवाइजर हूँ। कौन सा रेजर है? अगर सुपरवाइजर को रेजर समझती हैं, तो समझ लीजिए इस घर में मैं रेजर हूँ। मेरे बारे में डाउट करने की जरूरत नहीं है। हाथ बोलो तो पैर, पैर बोलो तो हाथ। हाँ दीदी। मैं तेरी दीदी? ये कैसे हो सकता है? ऐसा मत कहो दीदी,
इस गांव में कदम रखते ही मैंने गंगा हाट देखा था, उसके बाद आपको देखा है। क्या कहा? तुझे मैं गंगा हाट जैसी दिखाई देती हूँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, गंगा माँ तो हमारी देवी है, आपको भी मैंने वैसे ही देखा है। कल इसी समय ठाकुर साहब ने, अरे राजा तुम मेरे यहाँ सुपरवाइजर बन जा कह के बुलाया है, इसलिए आज उसी समय में मैंने क्या किया पता है दीदी? मूछो वाले बद्री के पास जो पैसे बकाए थे उसे ब्याज के साथ लेकर आ गया हूँ। उस बद्री ने तुझे पैसे लौटा दिए? मैंने कहा ना दीदी, हाथ बोलो तो पैर, पैर बोलो तो हाथ निकाल दूंगा, लेकर आ गया। अब इस गांव में ऐसा कोई और भी हो तो बता दो दीदी, बिल्कुल नारियल की तरह चीर के ले आऊंगा। पैसे ले आया वो ठीक है, मेरे आदमी ने तुझे सुपरवाइजर की नौकरी पे रखा है, इसलिए ज्यादा खुश मत होना, सारे काम करने होंगे। दे दे, ये छोटी बातें बताने की थोड़ी होती है। सारे कामों के साथ साथ तुझे घर के काम भी करने होंगे, लेकिन पगार ज्यादा मत मांगना। और कान खोल के सुन, इस घर में एक जवान लड़की भी है, इतना ही नहीं खाना जो मिलेगा खाना। ठीक है, आपकी बात भला टाल सकता हूँ? मिल गया, मिल गया। अरे बेटे कहाँ है, कहाँ है तू? अरे बेटे जल्दी आ। क्या हुआ पिताजी, फिर से सपना देखा क्या? ओ, ओ, अरे सपना नहीं, मैंने सच में सोने का झूला देखा, सोने का। इस तरह से सपने देख देख के खजाने की खोज में इस घर का खजाना कम हो गया है। ओहो, सुबह सुबह ऐसी अपशकुन की बातें मत कर। इस भूत बंगले को एक सुंदर सा राजमहल बनाने के लिए सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे जिले का अगर मुखिया हमें बनना है तो उस खजाने को पाना ही होगा। सुबह का सपना ज्यादातर सच हुआ करता है, जल्दी से नहा ले, जाकर सोने का झूला लेकर आते हैं। ठीक है पिताजी। मिल गया मालिक, मिल गया। झूला मिला? झूला नहीं मालिक, यह बक्सा मिला। इसमें क्या है पिताजी? अरे बेटे वो खजाना इसमें नहीं है, गांव के किले में है, ऐसा इसमें लिखा है। तो फिर देर किस बात की, अभी किले में चलते हैं। अरे सुन, लोगों को जरा सा भी शक ना हो, इस तरह रात में ही किले में जाना होगा। हाँ। हाँ, क्या डोले हैं? चुड़ैल कहेगी भाग्या से तेरे घर में रह रहा इसलिए इतरा रही है, उसे अभी देखती हूँ। अरे ओ राजा, ये तू क्या कर रहा है? कसरत, कसरत कर रहा हूँ। कसरत कर रहा है? गांव के सारे लोग तुम्हारी ये कसरत देख रहे हैं। देख रहे हैं? कौन देख रहे हैं? इधर आओ, ये देखो, यहाँ इस एरिया में बिन बिहाई 14 लड़कियाँ रहती हैं। इधर आओ, इधर दिखाती हूँ। यहाँ इस तरफ देखो, यहाँ पर तलाकशुदा 3 औरतें रहती हैं, समझ में आया? क्या 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 क्या? इस तरफ के घरों में कुंवारी लड़कियाँ 14 रहती हैं, और इस तरफ पति द्वारा छोड़ी गई 3-3 लड़कियाँ, यानी 14 और 3 17 लड़कियाँ, और इन 17 लड़कियों के बीच में मैं अकेला लड़का हूँ। हाय, मैं मर जावा, क्या बात है। क्यों रही हो चंद्रमुखी? कोई नहा रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? चल भाग यहाँ से, तुम झांक कर क्या देख रहे हो? हाँ, अच्छा मेरे सामने जो एक लड़की रहती है उसकी भी तो शादी नहीं हुई है ना, तो फिर उस लिस्ट में उसका नाम क्यों नहीं लिखा गया? वो उसका, उसकी 3 बार शादी होते होते रह गई, इसीलिए लिस्ट में नहीं है। ये क्या कह रही हो, तुम्हारे 3-3 रिश्ते टूट गए? इसमें हैरानी की क्या बात है, नहीं टूट सकते क्या? पहला रिश्ता कहाँ टूटा पता है? रेलवे स्टेशन पर। मैं ज्यादा बोलती हूँ मानकर रिश्ता स्टेशन पर ही तोड़ दिया, और दूसरे रिश्ते वाला बस स्टैंड तक आया, मेरी कुंडली को देखकर बस स्टैंड से ही वापस चला गया, और तीसरे रिश्ते वाला हमारे घर तक पहुँच गया था, लेकिन दहेज न मिलने पर वापस चला गया। लेकिन इन बातों का मुझे जरा भी अफसोस नहीं है, मगर पिताजी को देखती हूँ तो अफसोस होता है, क्योंकि
मैं एक गरीब घर में पैदा हुई ये सोच सोच कर वो आंसू बहाते हैं। मैं उन्हें समझाती रहती हूँ कि इसमें रोने से कोई फायदा नहीं। रानी, तुम्हारे दिल में इतना गम छुपे हैं, तुम्हारी आंखों में आंसू, रो नहीं। देखो इस बार इस चंचल लड़की का बिना टूटे रिश्ता जुड़ जाएगा। बाप रे, बातों बातों में एक बात तो भूल ही गई। पिताजी ने बाग से आम लाने के लिए कहा था, मैं तो भूल ही गई। मैं चलती हूँ। आओ जी, बोलो जी, बोलो जी। मैं क्या बोलूं? तुम राजा से प्यार करती हो ना? तुम्हें कैसे मालूम हो? हम लोगों को सब कुछ मालूम है, इसीलिए बैंड बजाने आए हैं। क्योंकि अभी तक बोली नहीं हुई है। हमें तुम्हारी शादी का इंतजार है। हम तुम्हारी शादी में पीट पीट के ढोल बजाएंगे। इसका मतलब मेरी शादी होगी ना? हाँ जरूर। तब तो शादी में तुम्हें ढोल बजाना ठीक है। ये लो, ये रहा उसका एडवांस। चलो एडवांस के लिए बजाओ। मेरे खाते पीते पहलवानों, मैं रोजाना तुम्हें 4 बकरे, 20 मुर्गियाँ और 100 अंडे तुम्हें क्यों खिलाता हूँ इसका राज तुम जानते हो? ताकि मेरी मनमानी करने के रास्ते में जो भी आए उसे धूल चटा सको। ये आम तेरा है ना? ले ले। झूठी चीजें मैं नहीं खाती हूँ, तुम ही रख लो। मैंने इसे कुछ भी नहीं किया, सच में चुम्मा भी नहीं लिया। पोस्ट मास्टर की बेटी हो ना? तुम स्याही से मुहर लगाती हो ना? आज मैं होठों से मुहर लगाऊंगा, तुम हमेशा याद रखोगी। हवस की आग में जलती हुई तेरी पीठ पर मैं अपने शेर के पंजे की मोहर लगा दूं तो कैसा लगेगा? क्यों रे, मेरे जाति मामले में टांग अड़ाने वाला तू कौन होता है? ये तेरा जाति मामला नहीं है, ये एक कुंवारी लड़की की इज्जत का मामला है। सुन, तू भले ही 1 मिनट में 24 बातें करता हो, लेकिन मैं 1 मिनट में तुझे 124 घूंसे मरवा सकता हूँ उनके हाथों। नहीं मारा तो मैं सर हार जाऊंगा।
ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, भवानी प्रसाद जी आए हैं। अरे आओ आओ आओ, कैसे हो, बैठो। बैठने के लिए नहीं आया हूँ, झगड़ा करने आया हूँ। अरे भैया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, अभी कॉफी लेकर आते हैं। कॉफी नहीं चाहिए, जहर पिला दे। इस गांव में एक राजा की तरह जीता हूँ मैं, और मेरे बेटे को तुम्हारे घर के नौकर ने मारा। क्या, राजा ने तुम्हारे बेटे को मारा? जी हाँ, मारा। तूने बहुत बड़ी गलती की है, गांव के बड़े आदमी के बेटे को तूने मारा। इसका मतलब ये नहीं कि हम नामर्द हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा सकता हूँ। गांव के बड़े आदमी हो, इसलिए गांव के लोगों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। अगर किसी अपराधी को दंड देने का अधिकार आपके पास है, तो एक लड़की की इज्जत पर हाथ डालने वाले अपने बेटे को दंड दीजिए। कौन है वो लड़की? कहीं पोस्टमास्टर की लड़की तो नहीं है? मेरे बेटे ने देखा होगा, उसका दिल आ गया होगा, छू लिया होगा। अपनी गलती मानकर माफी मांग ले, माफ कर दूंगा। मैं जिस दिन गांव में आया था, उसी दिन मैंने कहा था कि अन्याय करने वाले के मैं हाथ तोड़ डालूंगा। अपराध करने वाले अपने बेटे से कहो कि मुझसे आकर माफी मांगे। क्या कहा तूने? सच कहा, अगर दोबारा गलती की तो जान से मार डालूंगा। अरे बाप रे, देख लिया आपने, वो इतना सब कुछ बोल रहा है और आप चुपचाप बैठे हैं। ठाकुर साहब, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? सुन बहन, तू मेरी सगी बहन नहीं है, फिर भी मैं तुझे बहन कह के बुलाता हूँ। ये एक बड़ा आदमी यहाँ इंसाफ के लिए आया है, और तुम्हारा आदमी चुपचाप बैठा है। अब तेरे दरवाजे पे कभी नहीं आऊंगा, चलता हूँ। भैया सुनो, मेरे भैया अपमान सहकर चले गए, अब मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, कहीं भी जाकर मर जाऊंगी। ठाकुर जी, आखिर हुआ क्या? चल मेरे साथ। इस भगवान के सामने कसम खा के बोल कि अब तो कभी उनके साथ झगड़ा नहीं करेगा, वचन दे। मैं इस गांव में आकर न्याय करूंगा, ऐसी भगवान की कसम खाकर अपनी दादी माँ को वचन देकर आया हूँ। ठाकुर जी, अगर अभी भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं, तो ये हाथ जल के राख हो जाएगा। बोलिए, ये हाथ जल जाना चाहिए ना? ठाकुर जी, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आपके परिवार में शांति भंग हो, इसलिए आप कुछ कहें उससे पहले मैं ही चला जाता हूँ। राजा, सच में जा रहा है तू? ये घर छोड़ के जा रहा है? कल अगर मैं मर गया तो मेरी चिता को आग देने वाला इस घर में कोई नहीं है। सोचा कम से कम तू मेरे काम आएगा, लेकिन क्या करूं, मेरी किस्मत में नहीं है। ठीक है, जा जा। राजा, तुम्हारे आने से हमारी हिम्मत बढ़ गई थी, और अब तुम जाने के लिए कह रहे हो, तुम सच में चले जाओगे क्या? तुम्हारे पिताजी के लिए और तुम्हारी जमीनों की रक्षा के साथ साथ इस घर में किसी के आंसू ना बहें, उसके लिए मैं यहीं पर रहूंगा। रास्ता छोड़ो। सुनो रानी, तुमने हमें एडवांस में पैसे दिए हैं, लेकिन राजा से तुम्हारे प्रेम के लिए हमें एडवांस नहीं चाहिए। ये सब बात की बातें हैं, पहले ये पता लगाओ राजा को मुझसे प्यार है या नहीं। तो इसमें क्या हुआ? पता लगा लेंगे। करता है या नहीं? हम सारी बात पता लगा लेंगे। हाँ रानी, जैसे पता चलेगा कि राजा तुमसे प्रेम करता है, हम बैंड बजाएंगे। तो ठीक है, चलो चलो चलो। रुक जाओ रुक जाओ, मैं ही पूछता हूँ। क्या बात है, सब के सब एकदम झकास लग रहे हो। हाथ बोले तो पैर, पैर बोले तो हाथ निकालने वाले तुम। तोता बन के मैना को दिल दे चुके हो क्या? दिल को? राजा, तुम रानी से प्यार करते हो क्या? हाँ, उस लड़की से तो मैं प्यार करता हूँ, लेकिन वो लड़की भी मुझसे प्यार करती है या नहीं पता नहीं ना। वो रानी तो बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है भैया। वो तो तुम्हें दिल से चाहती है।
हाँ राजा, रानी तुमसे प्यार करती है? यकीन नहीं तो खुद देख लो राजा। वो बसाया राम राम राम, मुझको दीवाना बनाया राम राम राम, है आशिकी का गुण सिखाया राम राम राम, प्रेम का प्याला पिलाया राम राम राम, है प्रेम का प्याला पिलाया राम राम राम। तूने इशारा करके पुकारा, बस ये समझ ले गया मैं मारा, तुझ पे गोरी ये दिलो जान हारा। चनके चनन चनके चनन चनके चनन चन, महके तेरी सांस जैसे महके है चंदन। तू मुझे मिला मिलाया राम राम राम, प्यार का गुलशन खिलाया राम राम राम, हे आशिकी का गुण सिखाया राम राम राम, प्रेम का प्याला पिलाया राम राम राम, हे प्रेम का प्याला पिलाया राम राम राम। पायल की धुन से दिल को छुन 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 से दिल को धड़काए, नैनों के प्याले से तू रह रह के मदरा गोरी बरसाए। मदरा नहीं है अमृत है राजा, जो पी ले इसको अमर हो जाए, चाहत के आसमां में खो जाए। छनके छनन छनके छनन छनके छनन छन, तुझको दिया सौंप मैंने अपना ये जीवन, अरे तुझको दिल में वो बसाया राम राम राम, है मुझको दीवाना बनाया राम राम राम, है आशिकी का गुण सिखाया राम राम राम, प्रेम का प्याला पिलाया राम राम राम, है प्रेम का प्याला पिलाया राम राम राम, तू मुझे मिला मिलाया राम राम राम, प्यार का गुलशन खिलाया राम राम राम, कैसा काम लिख दिया राम राम राम, दो दिलों को एक दिया राम राम राम, दो दिलों को एक दिया राम राम राम। हुआ दामा जी, किसे ढूंढ रहे हो? मेरी चित्रांगनी कहाँ है, यही देख रहे हो ना? क्यों नंदिनी देवी जी, ये सुहाग रात की सेज है जो इस पे इतने फूल डाले हैं। आखिर तुम मेरे दामाद बनने वाले हो, तो क्या तुम्हारे लिए इतना भी नहीं करेंगे हम? तो फिर ये बताओ कन्या कहाँ है? ये देखो चित्रांगनी। बाप रे, गरम तवे पे जैसे मक्खन पिघलता है वैसे स्टाइल मार रही है, क्या कमर की लचक है। एक बार जरा इधर देखो ना बेबी। अगर तुमने वाकई मेरा चेहरा देख लिया तो बेहोश हो जाओगी। यानी तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाओगी? जरूर दिखाऊंगी, थोड़ा 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 थोड़ा। कितने मदमस्त होंठ हैं, क्या नशीली आंखें हैं, चढ़ती जवानी है, बिल्कुल सेब जैसे गाल, क्या अदा है, क्या स्टाइल है, बनारस का लड्डू है, इलाहाबाद की गजक है, अरे वाह, कुल मिला के मेरी राजकुमारी हो तुम मेरी सैया। कू कू, ये क्या था, कोयल की कूक थी या कौवे का चिल्लाना? नहीं, अंगड़ाई थी। अंगड़ाई थी? प्रेम से पहले
हम वही करेंगे जो बाद में करना चाहिए। नंदनी देवी, तुम्हारी बेटी तो बहुत एक्सपीरियंस वाली मालूम होती है। ऐसा कुछ नहीं दामा जी, जाइए ना, संभाल ले चित्रांगनी। होए, चलती हूँ। कुकु चिल्लाए। रुक जा, कहाँ जा रहे हो? पूरे के पूरे रोड पर रंगोली डाल दी है। हाँ तो क्या हुआ? अच्छा ठीक है, इतनी बड़ी रंगोली क्यों बनाई? यहाँ बड़ी रंगोली मैं ही बनाती हूँ। इतना ही नहीं, मेरी रंगोली को आज तक किसी ने बुरा नहीं कहा। इस गांव में मैं ही फर्स्ट हूँ। क्या कहा? ये बड़ी रंगोली है? झूठ मत बोलो, मेरी पद्मा इससे भी बड़ी रंगोली बनाती है। अबे जानो उल्लू, झूठ मत बोल। चाहो तो आप देख लो। ये बात है, मेरी रंगोली बड़ी है या पद्मा की, अभी जाके देखेंगे। राजा चलो, तुम देख कर बताना। भगवान मर गया। रानी मुझे एक जरूरी काम पे जाना है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, चलो। और सुनो, तुम भी चलो। ये देखो मेरी बहन की रंगोली बड़ी है ना? ये क्या बड़ी रंगोली है? ये क्या बोल रही है? मेरी रंगोली छोटी है, ये तू कैसे बोल सकती है? हाँ, मेरी रंगोली से तेरी रंगोली बड़ी है, ऐसा बोल के तेरे भाई ने शर्त लगाई है। अच्छा, इस गांव में मुझसे बड़ी रंगोली कोई नहीं बना सकता है। हाँ, बड़ी आई बोलने वाली। क्यों, इसकी ये रंगोली देखकर अब तो तुम्हें पता चल गया ना? और तू, तेरे बारे में मैं तो क्या पूरा गांव जानता है। बात सुन, तू क्या कहना चाहती है मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मेरी भी समझ में नहीं आया। अच्छा राजा। श्री रामचंद्र, ये किस संकट में डाल दिया मुझे? बोलो राजा, तुमने दोनों रंगोली देखी ना, बताओ बड़ी कौन सी है, मेरी बड़ी है या इसकी? वो दरअसल, हाँ बोलो ना, मेरी बड़ी है कि इसकी बड़ी है? जल्दी बोलो ना, किसकी बड़ी है, मेरी या उसकी? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो ना। आसमान से लटक कर खजूर में लटका ऐसी हालत हो गई है मेरी, इसलिए मैं सिक्का उछालता हूँ, इसके हिसाब से मैं बता दूंगा। क्या सौभाग्य है मेरा। हर हर महादेव। महाराज। हाँ समझ गया, मैं सब समझ गया। जो तुम्हारी समस्या है, यानी रंगोली किसकी बड़ी है, यही समस्या है ना? मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। इनकी भी बड़ी नहीं है, उनकी भी बड़ी नहीं है। वैकुंठ में सबसे बड़ी रंगोली बनाई जाती है, ये जान लो। हर हर महादेव, श्रीमन्नारायण। समस्या का समाधान हो गया ना, अब मैं चलता हूँ। रुक जाओ, यहाँ आके क्या फायदा, जरा बोलो किसकी बड़ी है, नहीं बताओगे? छे, इसे मेरे घर पे लाकर मेरा अपमान कराया, तेरी तो सब खत्म हो गया। हमारा बैंड अब कभी नहीं बजेगा, बजा के चलो। पद्मा, मुझे पद्मा कह के बुला रहा है, दीदी नहीं कह सकता? दीदी बड़ी है दीदी। क्या कहा तूने? चीची, तेरे रोने से तो मेरी किस्मत फूट जाती है उल्लू की। मम्मी चुप हो जा, चुप हो जा। ठीक है तो वो कॉफी दो। मैं नहीं दूंगी, ये मैंने राजा के लिए बनाई है। तो नहीं दोगी? उसके लिए है। हाँ उसी के लिए है। क्या हुआ, पैर में मोच आ गई क्या? देखो। अरे नहीं, मालिकों के पैर पकड़ने में कोई गलत बात नहीं है। ये क्या बच्चों की तरह चिल्ला रही हो? वो देखो। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या, इसकी हैसियत क्या है, हमारी हैसियत क्या है? तूने अपना पैर इसके हाथों में दे रखा था। मेरे पैर में मोच आ गई। सुन, मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। दीदी, इस गांव में शमशान घाट कितने हैं? क्यों, एक ही है। ऐसा क्यों? हम नौकरों के लिए सेपरेट से बनवा कर आप मालिकों के लिए एक अलग से क्यों नहीं बनवा देते? ए सुन, तू ये सब किस लिए बोल रहा है? मैं सब जानती हूँ, आइंदा कभी ऐसा मत करना। पद्मा तू मेरे साथ चल। सुन गंगू, 50 रुपए निकाल। ये क्या भैया, 2 रुपए के हिसाब से 10 किलो के 20 रुपए हुए ना। 2 रुपए से लेने के लिए तेरे पास 10 कार्ड है क्या? ये क्या भैया, मेरे 10 कार्ड तुम्हारे पास ही तो है। हाँ है, तू क्या कर लेगा? श्याम बाबू के पास तूने अपने कार्ड गिरवी रख के पैसे लिए है ना? तेरा ही नहीं, इस गांव के बहुत सारे लोगों के कार्ड मेरे पास गिरवी पड़े हैं। पहले गिरवी छुड़ा लो, उसके बाद 2 रुपए किलो चावल ले जाओ। भैया ये तो नाइंसाफी है, मैं अपने साथ ऐसा नाइंसाफ नहीं होने दूंगा। नहीं, मुझे मत मारना। गिरवी रखते समय तो तू मुझे माय बाप कह रहा था, और अब मुझे शैतान बोल रहा है। चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी।
राजा, किसकी परमिशन से तू इस गांव में आया है मैं जानता हूँ, और किसकी परमिशन से जी खा रहा है ये भी जानता हूँ, लेकिन मेरे बीच में आया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। क्यों, तू क्या करेगा? मुझे मारने के लिए इन बाजुओं में ताकत चाहिए, और मुझे इस गांव से बाहर निकालने के लिए तेरे अंदर जो कलेजा है ना उसमें दम चाहिए। कुल मिला के तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तू हमारे बीच में क्यों आ रहा है? इन लोगों से तेरा संबंध क्या है? आज के इस प्रजा राज्य में हर आदमी को अन्याय का सामना करने का हक है और अधिकार भी है। बता, इनके नए कार्ड कहाँ रखे हैं? अंदर तिजोरी में बंद है, चाबी मेरे पास नहीं है, तू क्या कर लेगा? अंदर लोहे की तिजोरी में है? हाँ। और चाबी तुम्हारे पास नहीं है? हाँ। और मुझसे जो बने वो उखाड़ लूं? राजा, मेरे पहलवानों को मार कर तू अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझता है ना? शहर से मैंने ये छठे हुए बदमाश बुलाए हैं। चुपचाप ये कार्ड वहीं रख दे, नहीं तो तू चलने के लायक नहीं रहेगा। क्या कहा? चलने के लायक नहीं रहूंगा? सुन रे श्याम, अगर मैं चाहूँ तो इस जमीन पर पैर रखे बिना तू जो इन्हें लाया है इनका हुलिया टाइट कर सकता हूँ। जमीन पे पैर रखे बिना मारेगा? किस पर? इस जमीन पे? हाँ, बिल्कुल सही। पर अगर तू शर्त हार गया तो पूरे 100 कोड़े खाएगा ना? अगर हार गया तो कितने खाएगा पहले तू बता। 2 कोड़े। तो फिर अपना पैर जमीन पर रखे बिना शुरुआत तेरे से ही करता हूँ। उसे जमीन चटाओ। ग्लास हटाओ। उसका पैर जमीन पर लगा दो, गिरा दो उसे। हाँ,
अगर मैं उतर गया तो बोलेगा शर्त हार गया। बाप रे, कंधे में दर्द हो रहा है, जल्दी से नीचे उतरो। उतरूंगा, पहले अपनी हार मान ले। हार गया भैया, हार गया, अब तो उतरो। हे नागभूषण, हाँ। शर्त के मुताबिक अपने श्याम बाबू के दो कोड़े तो लगा। कौन मैं? अरे जल्दी से मारना। नहीं श्याम बाबू, आपको मारने के लिए मेरे हाथों में दम नहीं है। अरे ज्यादा देर तक मैं इन्हें नहीं उठा पाऊंगा, जल्दी से मुझे कोड़े मार। नहीं श्याम बाबू, अगर मैं मारूंगा तो मालिक मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। अरे मुझे मारने वाली बात मैं पिताजी से नहीं बताऊंगा, जल्दी से मार। मालिक, छोटे मालिक, अरे मालिक, यहाँ पर लोगों की आवाज आई है, रात में काम करते हुए कहीं कोई देख न ले, इसलिए वहाँ खुदाई करने में बहुत डर लग रहा है। राजा को आजकल गांव वालों ने अपने सर पे बिठा रखा है मालिक, अगर कुछ हुआ तो हमारा डंडा नीचे। भूखे लोगों को कैसे तरसाया जाता है, हमारे खिलाफ उठने वाले सर को कैसे दबाया जाता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसको मैं संभाल लूंगा, तुम खुदाई का काम संभालो। जी राजा भैया की जय। 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 ये बड़ा आदमी कब बन गया मालिक? लोगों को देखकर लगता है कि राजा उनका हीरो बन गया। ये क्या बोल रहे हो शास्त्री, तमीज से बात करो। भैया ये जिनके कार्ड है उन्हें दे दो। ठीक है भैया। देखो सरकार ने आपको ये नए कार्ड दिए हैं, एक बोतल शराब पीने के लिए या अय्याशी करने के लिए इन्हें कभी गिरवी मत रखना। दरअसल ऐसी बात नहीं है भैया, हर 15 दिन में वो नागभूषण हम लोगों के पास में आ जाता है, हम लोग ब्याज पे ब्याज भरते हैं। जरा से पैसन के लिए हमें सारे कार्ड गिरवी रख लिया भैया। हम लोगों का तो बाप बेटे ने जीना दोभर कर दिया भैया। सिर्फ इतना ही नहीं भैया, उनका जो बेटा श्याम बाबू है ना, वो 2-2 रुपए के चीज का हमसे 10-10 रुपए वसूलता है। ऐसा है तो आज से ये राजा आप लोगों के भाई की तरह रहेगा। अगर आपके मालिकों ने आप पर बुरी नजर डाली तो मैं उनकी आंखें निकाल लूंगा। तुम पर अन्याय करके अगर तुम्हें गाली देगा तो मैं उसकी जबान खींच लूंगा। आपको जब भी कोई दुख होता है या नुकसान होता है तो तुम्हारी मदद ही नहीं, उसके लिए मैं अपनी जान देने से भी कभी पीछे नहीं हटूंगा। राजा भैया की, राजा भैया की, राजा भैया की, राजा भैया की। ए बदमा, आके डाल डालना। तू डाल लेना, मुझे थोड़ा काम है। तू नहीं डालेगी तो मैं खुद डालूंगा। मम्मी मेरा हाथ जल गया, मम्मी मेरा हाथ जल गया। पद्मा ने मेरा हाथ पकड़कर दाल में डाल दिया। क्यूरी? नहीं छोटी माँ, उसने खुद अपना हाथ डाला। मेरा लड़का पागल है क्या जो हाथ डालेगा? तूने खुद ऐसा किया होगा। चल मेरे साथ, बताती हूँ। नहीं चल, बताती हूँ। तेरा हाथ जलाऊंगी छोटी माँ, तब तुझे पता चलेगा मैंने फिर नीचे नहीं छोड़ूंगी। चल मेरे साथ, छोटी बताती हूँ। छोटी माँ नहीं, छोटी माँ ऐसा सबक सिखाऊंगी, जिंदगी में किसी का हाथ नहीं चलाएगी। कांता ये क्या कर रही है? बेटी का हाथ चला तो कुछ नहीं, इसका हाथ चला तो चिल्लाने लगे। मैं तो बहुत बुरी हूँ ना, मेरा मर जाना ही ठीक रहेगा। तू कहाँ से मरेगी? सुमंगली मरने के लिए पिछले जन्म में पुण्य करने पड़ते हैं। तू मुझे मारे बिना नहीं मरेगी, नहीं मरेगी। चल बेटी, तू अपना रोना बंद कर। देखो पद्मा जी, रोने वालों पर दुनिया हंसती है। हाथ बोले तो पैर निकालो, पैर बोले तो हाथ, इस तरह से रोते नहीं है। देखो मैंने पट्टी बांध दी है ना, कल तक घाव भर जाएगा। मैंने सही कहा ना, ठीक हो जाएगा। पद्मा, इधर आ पद्मा। क्या हुआ छोटी माँ? जल्दी से ये चावल पीस कर अंदर ले आ। लेकिन छोटी माँ मेरे हाथ में तो अरे कुछ नहीं हुआ है, बैठ। खाना तभी मिलेगा जब आज ये चावल पीस जाएंगे। ऐसे हर एक बात के लिए रोना नहीं चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ, इसे मैं पीसता हूँ, तुम उधर जाके बैठो। अरे रे, ये मर्दों का काम नहीं। जरूरत पड़ने पर इंसान को हर काम करना चाहिए। चलो उठो 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 उठो। हाँ ठीक है, अब देखना मेरा कमाल। हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो, बेकार में आंसू बहाती हो। क्या हुआ बेटी, खाना बांध रही है? हाँ पिताजी, ये खाने से कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या कसरत? और मैं अब इस उम्र में कहाँ कसरत करूँगा? ये आपके लिए नहीं पिताजी, उसके लिए है। राजा के लिए? बांध ले, उसके लिए बहुत जरूरी है। चलती हूँ पिताजी। तुम यहाँ पे चूल्हा झूक रही हो, मैं तुम्हें रानी बनाना चाहता हूँ, क्या कहती हो? घूर क्या रहा है? तुझे घूरना अच्छा लगता है? हाँ,
तेरा थोपड़ा चपटा करने के लिए मेरे हाथ में ये है एक दूंगी खींच के। मुझे मारने वाला इस गांव में तो क्या राज्य में भी नहीं है, ऊपर से तू एक लड़की है। रानी को जब तूने छुआ था तब राजा ने कितना मारा था भूल गया क्या? मुझे मारा था? किस राजा ने? अरे गांव में मुझसे अच्छा लड़का कोई नहीं मिलेगा, इसलिए सराफत से मेरी बात मान ले। इस गांव के कुत्ते सुधर गए लेकिन तू सुधर नहीं पाया। तू चाहे मुझे कुछ भी कह ले, मैं तेरा हाथ थाम के ही रहूंगा, देख लेना। माजी माजी कहाँ जा रही हो? मैं खेतों में कटाई हो रही है ना। ओहो अच्छा तू कहाँ जा रही है? कौन मैं भी ऐसे खेतों में जा रही हूँ। हाँ, चलती हूँ। ए मंगू ले पकड़। ये क्या तू इनके पास क्यों आई है? मैं ऐसे ही आ गई हूँ, दरअसल राजा ने मुझसे कहा था कि ऐसे आ जाना। लेकिन मैंने कब? चुप रहो ना। अच्छा तू कैसे यहाँ? मैं वैसे मुझे तो घर में बहुत काम था, लेकिन आज मेरे पापा ने मुझसे कहा कि आज पूर्णिमा है, राजा के लिए मठरी बना के ले जाना। अरे इसीलिए तो मैं भी लड्डू लेकर आई हूँ। राजा ये खा के देखो ना अच्छे हैं। वो किस लिए? मैं मठरी बना के लाई हूँ ना, तुम वो खाओगे ना। नमकीन भी पहले कोई खाता है क्या? पहले मीठा खाना चाहिए, इसलिए लड्डू लेकर आई हूँ। तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं खा लूंगा ना। क्या खाओगे, मेरा लड्डू या उसकी मठरी? दोनों खाऊंगा। दोनों खाने की जरूरत नहीं, खाना है तो पहले मठरी खाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, लड्डू खाओ। अरे बाप रे, इन दोनों को खाने की ताकत मेरे पास है, ला मुझे। ऐसी कोई जरूरत नहीं, पहले बताना होगा मेरा लड्डू खाओगे या उसकी मठरी, जल्दी बोलो, मेरी मठरी या इसका लड्डू, बताओ। ठीक है, कायदे से अगर देखा जाए तो। राजा लड्डू खाओगे ना? राजा पद्मा की मठरी पहले खाऊंगा। कराओ, मैं तुम्हें वहाँ बताती हूँ। रानी तुम चिंता मत करना। चुप रे कमीने, तुम दफाओ यहाँ से, तुम ही दफाओ, जाओ जाओ, ये लड्डू तुम ही खा लो। ये क्या कर रहा है रानी? रानी रानी ये क्या कर रही है? अरे रुको रुको रुको, तुम्हें घर पे बताऊंगी। चली गई क्या? चली गई। लेकिन वो बहुत गुस्सा हो गई ना। हर इंसान की अलग सोच होती है, तुम्हें टेंशन ज्यादा है, इसलिए पहले मठरी खानी चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। कहता है मोहल्ला, हाय हाय हाय, ये हो गया हल्ला, कहता है मोहल्ला, मेरी हो गई तू, अरे क्या बात है वल्ला, ये हो गया हल्ला, कहता है मोहल्ला। जाने दे खुलासा, हो जाने दे तमाशा, इन बातों से क्या घबराना, सुनती हो सबके ताने हो, छोड़ो भी ये बहाने हो, डरती हो बदनामी से, डरती है तू हामी से, मेरे पीछे पड़ा है ये जमाना, डर 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 मेरी हो गई तू, अरे क्या बात है वल्ला। Thank you.
तेरे जो दिल मिल जाए, चाहत के गुल खिल जाए, उसकी खुशबू से महके सारी दुनिया। जिंदगी नूर दिखाए, दिल ये संतूर बजाए, खोले हर राज चनक के पेचनिया। तू मेरी शाम अधूरी हो, मुझसे ही होगी पूरी हो। मैं पूरी रात चाहूं, मैं तेरा साथ चाहूं। डरती है क्यों फिर हो जाने दे हल्ला, ये हो गया हल्ला। हाय हाय हाय, कहता है मोहल्ला। हाय हाय हाय, ये हो गया हल्ला, कहता है मोहल्ला। मेरी हो गई तू, अरे क्या बात है वल्ला। राजा, तुम्हारे हाथ में जो टिफिन है उसके लिए आज अंदर कोई जगह नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी की जिद के बारे में तो तुम जानते हो ना, जाके देख लो, जान जाओगे। जाओ, सुनो, अपना थोबड़ा संभालना। रानी, देखो रानी, जो कुछ भी अब तो सर फोड़। सुनो रानी, अरे बेकार में गुस्सा मत करो। तो रानी देखो, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। रानी मेरा यकीन करो। मैं नहीं करूंगी। देखो गुस्सा मत हो। क्यों गुस्सा ना हो? रानी, बात सुन। रानी, पगली कहीं की, सच क्या है बताऊं? सोचा तुम्हारे बनाए लड्डू घर आके खा लूंगा, लेकिन ठाकुर साहब ने, वो मेरे मालिक हैं, ये बात भूलकर भी अपने बेटे की तरह मानकर पद्मा के हाथ मठरी भिजाई। अगर मैं बिना खाए लौटा देता तो उन्हें कितना दुख होता सोचो। यानी वीरेंद्र ठाकुर की जो लड़की पद्मा है, तुम उसे प्यार नहीं करते हो ना? नहीं। तब तो कभी भी तुम्हें मैं नहीं सताऊंगी। तो फिर तुम भी कभी ऐसे अंडों से मुझे नहीं मारोगी। मालिक, मालिक, मालिक! क्या हुआ? आपके कहे मुताबिक मैं झोपड़े खाली कराने गया था, वो मुझ पे भड़क उठे। अगर दोबारा तुमने आकर कोशिश की तो पहले तुम्हारी चुटिया काटेंगे, उसके बाद तुम्हारे नाम का शंख बजा देंगे। पिताजी, उसकी हिम्मत दिन पर दिन बहुत बढ़ गई है। लगता है उसके दिन पूरे हो गए, उसे खत्म करना होगा। चलो ए, बाहर निकाल के इन सबको मारो। सामान वान सब बाहर निकाल दो। मारो, आगे बढ़ो। तुम्हारा दिमाग सातवां आसमान पर चढ़ गया। तो पाओ, चल भाग इधर से, चल। अरे चुप करो, चुप करो चिल्लाना। तुम फौरन ये जगह छोड़कर अगर यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारा कचुमर बना दूंगा। इस गांव का मैं ही राजा हूँ, जो मैं कहूँगा वही होगा। यहाँ मेरा ही कानून चलेगा। कल सुबह सूरज उगने से पहले एक कीड़ा भी यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। अगर नजर आया तो यहाँ तुम्हारी चीजें बिखरी हुई नहीं होंगी, तुम्हारी लाशें होगी, याद रखना। हाँ, चलिए पिताजी। भैया, भवानी प्रसाद ने हमारी झोपड़ियाँ तोड़ दी, हमें कहीं का नहीं छोड़ा, सब बर्बाद हो गया। लड़कियों और औरतों को बहुत बुरी तरह से मार के गए भैया। अगर अमीरों के जुल्म इसी तरह तुम सहते रहे तो बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर बन जाएगी। मेहनत करने वाला मजदूर जिस दिन मुट्ठी बंद करेगा, उसी दिन अमीरों को तुम्हारी ताकत का एहसास होगा। चलो मेरे साथ चलो। यहाँ ये जलूस क्यों? तुमने इन गरीबों पर जो अत्याचार किए हैं, इन्हें समझाओ। यहाँ आने वाले हर ऐरे गैरे को समझाने की जरूरत मुझे नहीं है। मैं यहाँ आने वाला कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ, समझे? तुमने इन बेचारे गरीबों पर जुल्म क्यों उठाए? जुल्म करना मेरी रगों में भरा है। अगर मुझे किसी ने रोकने की कोशिश की तो मैं रोजाना करूंगा जुल्म। तेरी आंखों के सामने इन पर जुल्म उठाएंगे, तू क्या कर लेगा? तुम्हारी आंखों के सामने इन सबको मार डालेंगे, तुम क्या कर लोगे?
मैं क्या करूंगा वो बोलूंगा नहीं, करके तुम्हें दिखाऊंगा। वेंकटेश, इन्होंने तुम्हारी झोपड़ियों को उजाड़ा है, ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देते हैं दिखा देते हैं। चलो, चलो! लोगों की ताकत देख ली ना, अगर दोबारा तुम लोग इन गरीबों के रास्ते में आए तो देख लिया ना कैसे वाट लगाते हैं। अगर भूल से उनकी तरफ देखा भी तो नारियल फूट जाएगा। पिताजी, अब हमारी इस हवेली में और गांव के उस टूटे हुए किले में कोई फर्क नहीं रहा। लोगों के जलूस को देखकर एक बार पृथ्वीराज भाग गया था और लोगों का गुस्सा देखकर औरंगजेब भी काम गया था। ऐसी हालत में मेरी क्या औकात है। उधर तो वो लोग मर गए, इधर आप लोग मर गए। मैं नहीं मरूंगा। गरीबों को भड़का कर हमारी ये हालत करने वाले उस राजा को नहीं छोड़ूंगा। शाम बेटे, संक्रांति के दिन बैलगाड़ियों की दौड़ का इंतजाम करो। वो राजा उस बैलगाड़ियों की दौड़ में जरूर आकर हिस्सा लेगा। उसके बाद क्या करना है वो प्लान मैं बताऊंगा। तब तो उस राजा का बैंड बज के रहेगा, डम डम बज के रहेगा। भाइयों, इस साल होने वाले बैलगाड़ियों की दौड़ हमने कुछ नए ढंग से तैयार की है। ये बहुत खतरनाक दौड़ है। इस दौड़ में बैलगाड़ियां गड्ढों से गुजरकर शमशान की चोटी पार करके नाले के पास से पथरीली जमीन से होकर यहाँ आएंगी। जो गाड़ी पहले नंबर पर आएगी उसे इनाम मिलेगा। पिताजी, ये देखिए मेरी जीत के घूंघरू। मैं मुकाबले में सबको धूल चटा के इन घुंघरुओं को बजा के अपनी जीत की खुशियां मनाएंगे। आप सब तैयार रहें। We'll be right back.
से सरकार की बैलगाड़ी आ रही है। राजा, ये तो राजा आ रहा है। ये देखो तुम्हारे आदमी के जीत के घुंघरू। तुम्हारी जीत से मुझे बहुत खुशी है, लेकिन मेरे बेटे का क्या किया? शमशान की ऊंचाई से नीचे लुढ़क कर ऊबड़ खाबड़ जमीन से होते हुए नाले में फंसा हुआ है। जल्दी जाके ले आओ उसे, नहीं तो ढोल बज जाएगा। मिल गया मालिक, मिल गया। रात में जब मैं वहाँ सुरंग के लिए खुदाई कर रहा था तो एक जगह पर जब फावड़ा लगा तो मैं तो एकदम से चौंक गया और फौरन मैंने वो चीज निकाल ली। क्या है वो? मुझे तो आखिर हमारे आदमी ने खजाना ढूंढ ही निकाला। अरे किसकी खोपड़ी, कहाँ का नरगन काल लाके मेरे हाथ में दे दिया तूने? अरे अरे ये घबराओ मत भैया, जरा ये देखो। देखिए ये गांव के अंदर जो किला है और यहाँ ये तालाब है, यहाँ से किले में जाने के लिए एक लंबी सी सुरंग है। खजाना तालाब में भी नहीं है और न ही किले में है, लेकिन हो ना हो खजाना सुरंग में ही छुपा है। ये वीरेंद्र ठाकुर की जमीन है और यहाँ उनके खेत है, सुरंग वहीं से बनानी पड़ेगी। ओहो, यानी वो उसी तालाब में है। एक बार मुझे सोने की मूर्ति मिली थी वहीं से। इतने दिन तक हम बेकार परेशान होते रहे, उस खजाने को हासिल करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पहले मुझे अपनी बहन से बात करनी होगी। अरे भैया जल्दी आओ। हाँ, राजा रुको ना। तुम इस तरह रो क्यों रही हो? तुम जल्दी वापस आ जाओगे ना? मैंने कहा ना, शहर जाना है, ठाकुर साहब के खेतों के लिए दवाइयाँ लेकर आनी है, ये सारे काम करके दो दिन लौट आऊंगा। तो फिर वो वाली बात? कौन सी बात? वो वाली बात। अच्छा वो, मैंने दादी को हम दोनों के प्यार के बारे में चिट्ठी लिख दी है। जब तक मैं शहर से वापस लौटूंगा वो भी आ जाएंगी, हमारी शादी जरूर होगी। जल्दी आओ। सुनो राजा, दूसरों के कहने पर हाथ के बदले पैर, पैर के बदले हाथ निकालते रहते हो ना, वैसे ही मेरी बात भूलना नहीं। क्या करना होगा? घर में शादी की बात करके मुझे मंगलसूत्र पहनाना। ठीक है, बिल्कुल सही वादा। वादा? हाँ। अरे आइए ना। हाँ आ गया, जल्दी आके बैठिए। चलो चलो। सह ना पाए हम ये दूरी, तेरे बिन मैं भी अधूरी। आँख
पढ़ी मेरी कहानी मेरी रानी रानी सोने से भरा है खरे प्यार से भरा है मेरा राजा राजा तेरे संग संग काटनी उमर मेरी हम नशी मैं तो बस तेरी परछाई मेरे ख्वाब की तू अंगड़ाई मेरे प्यार की तू शहनाई ओ जानम ओ हमदम सोने से खड़ा है खड़े प्यार से भरा है मेरा राजा राजा फूलों की जवानी बिन पढ़ी मेरी कहानी मेरी रानी शुदा है उस पे ही फिदा है गजलों के बहर में गाती है तराना रानी पुरानी बातें भूलकर दोबारा मेरे घर पर आए हो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो क्या बोल रही है बहन, मेरा जीजा अगर मुझे अपना साला नहीं मानता है तो उसे हमारा रिश्ता थोड़ी ही टूटेगा। अगर पद्मा से मेरी शादी हो गई तो हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ, पद्मा से मैं बहुत प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए दहेज में भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तो ठीक है, पद्मा भी तो माननी चाहिए ना। क्यों नहीं मानेगी, मैं उससे ये रिश्ता मनवा कर ही रहूंगी। आप शास्त्री को लेकर हमारे घर पर आ जाइए। अब तुमने बोल दिया तो समझो शादी हो गई। क्या बात है रानी, तू भागते हुए आई है? बात ये है कि मेरी राजा के साथ शादी होने वाली है। ये लो पैसे, जल्दी से मंगलसूत्र बना दो। ये क्या छोरी, मंगलसूत्र तो लड़के वाले बनाते हैं ना। हाँ, लड़के वाले लड़की वाले एक ही घर में रहते हैं। अच्छा। इसलिए जल्दी से बना दो, आके ले जाऊंगी। ठीक है, जल्दी आओ, अंदर आ जाओ, सामान लेकर अंदर आओ, जल्दी करो। जीजा जी, मैं इस गाँव का बड़ा आदमी हूँ, शान शौकत से जीता हूँ, ये सब भूल कर तेरी झोंपड़ी में कदम रख कर तेरी बेटी पद्मा को अपने घर की बहू बनाने के लिए आया हूँ। तू भले ही अपने बेटे का चरित्र भूल जा, मैं नहीं भूलूंगा। लोगों की इज्जत से खेलने वाले लड़के के हाथ में मैं अपनी लड़की का हाथ जीते जी मर जाऊंगा मगर नहीं दूंगा। जीजा, मैं तेरे दरवाजे पर आया हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं गिरा हुआ हूँ। तेरे मना करने पर भी मैं उसे बहू बनाकर ले जा सकता हूँ। तुम्हें उसकी जरूरत क्या है, तुम्हारा बस चले तो पूरे गांव को बहू बना लो। बहन, मैं तेरी बात मानकर ही ये रिश्ता लेकर आया हूँ, तू भी मेरा अपमान करके भेजेगी क्या? मना करने वाली वो कौन होती है, इस घर में मैं उसकी माँ हूँ और मैं ये रिश्ता मानती हूँ। शास्त्री जी, जल्दी से शादी की रस्म निभाओ। रुक जाओ, इस तरह रस्म निभाने से मेरी बेटी उसे शादी नहीं करेगी। अगर मुझसे जबरदस्ती किसी ने शादी की तो मैं भले ही अपनी जान दे दूंगी लेकिन तुम्हारे घर कभी नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, सुन शास्त्री, आज ही शादी करने का मुहूर्त निकालो। मालिक, आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। तो अच्छे मुहूर्त में शादी करने वाले सब सुखी हैं क्या? चल जल्दी से मुहूर्त निकाल। तो 12 बजे का मुहूर्त चलेगा? ठीक है चलेगा, जैसे ही सूरज आसमान पर चढ़ेगा मेरा बेटा इसके गले में मंगलसूत्र पहना देगा। जब तक मैं कन्यादान नहीं करूंगा कैसे पहनाएगा? कन्यादान करने वाले तो बहुत सारे हैं, तेरी किस्मत में कन्यादान करना नहीं है तो मैं क्या करूं? पकड़ लो, जब तक शादी नहीं हो जाती है मेरे जीजा का ख्याल रखना। छोड़ो मेरे पिताजी को, जल्दी छोड़ो, कहाँ जा रही हो पिताजी? पुजारी, तुम्हारे मंत्रों की हमें कोई जरूरत नहीं है, फटाफट लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाने को कहो। अरे मैं फूल लेकर आ रहा हूँ। hey!
तेरी इतनी हिम्मत? तू हमारी आंखों के सामने से हमारी बहू को ले जाएगा और हम क्या देखते रहेंगे? देख क्या रहे हो? भवानी प्रसाद, पार्वती जी, इस तरह से और कितने लोगों का खून करेगा? देखो पार्वती जी, पोते की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान मत खो देना। मेरी जान जाने की तू चिंता मत कर। अगर मैंने तेरे बारे में जो सच्चाई है ना वो बता दी ना, तो मेरा पोता यहीं इसी जगह पर तुझे मार डालेगा। आज अगर मैंने तेरा रहस्य खोल दिया तो इस गाँव के लोग तुझे जिंदा गाड़ देंगे। दादी माँ, ये क्या बोल रही है? राजा, इसने हमारे परिवार का सर्वनाश किया, इसे मत छोड़ना। ए बुढ़िया ने मुंह खोल दिया तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी। पहले उस बुढ़िया का मुंह बंद करो। दादी माँ, उस बुढ़िया को देख के आप इतना डर क्यों गए पिताजी? एक बात याद रखो, अपनी जिंदगी में जो भी पाप करते हो उन पापों का खुलासा कभी किसी से नहीं करना चाहिए। पिताजी, आपने मर्डर किया है। अरे मर्डर ही तो किया है, इसमें इतनी आश्चर्य करने वाली क्या बात है? अगर उस बुढ़िया ने होश में आकर उस राजा को सारी सच्चाई बता दी तो वो राजा हमें जिंदा जलाए उससे पहले। तू क्या देख रहा है? पूजा करने जा रही हो बेटी? हाँ पिताजी, राजा की दादी अस्पताल में है, वो जल्दी ठीक हो जाए उसी की मन्नत मांगने जा रही हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद से राजा से मेरी शादी हो पाएगी। शुभम, जाओ बेटी जाओ। क्या बात है, आप इस तरह हाँफ क्यों रहे हैं? क्या करूं बेटी, बुढ़ापा है। बड़ी उम्मीद से मंदिर आया कि कम से कम देवी माँ से मन्नत मान के जाऊंगा, लेकिन दर्शन किए बिना ही लौटना पड़ेगा। इतने ऊपर तक आ गए, अब दर्शन किए बिना जाना ठीक नहीं होगा। वो मुझे दे दो, आपकी मन्नत मैं मांग कर आती हूँ। तुम क्या मन्नत मांगोगी बेटी? पद्मा की शादी की बात चल रही है ना, उसकी अच्छी तरह शादी हो जाए, यही मांग आए है ना? राजा बहुत अच्छा लड़का है, वो हमसे घुल मिल गया है। बस अब मेरी यही इच्छा है कि मेरी बेटी पद्मा से राजा की शादी हो जाए, यही मन्नत मांगने के लिए मैं यहाँ आया। मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है बेटी, इसीलिए मरने से पहले राजा के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दूंगा तो मेरा एक बहुत बड़ा कर्तव्य पूरा हो जाएगा। यही भगवान से मांगने के लिए आया, और मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी बेटी की शादी राजा से जरूर करवाएंगे, मेरी मनोकामना जरूर पूरा। जल्दी जा बेटी, मंदिर बंद होने का समय हो गया, जाओ जल्दी जाओ। ठीक है, अभी जाती हूँ। पहली बार जो मेरे लिए रिश्ता आया वो रेलवे स्टेशन से ही लौट गया। दूसरी बार जो मेरे लिए रिश्ता आया वो बस अड्डे से ही लौट गया। तीसरी बार जो मेरे लिए रिश्ता आया वो घर आके वापस लौट गया। और चौथी बार जो आया वो इस मंदिर से लौट रहा है। क्या बात है रानी, फिर से आई हो? दरअसल मैं एक अर्चना कराना भूल गई, लीजिए कीजिए। किसके नाम पर? पद्मा के। बेटे राजा, मैंने तो सोचा था तू शहर में कोई बड़ी नौकरी कर रहा होगा, लेकिन तू इस गांव में होगा ये मैंने नहीं सोचा था। दादी माँ। हाँ बेटे, जैसे इस गांव का किला तबाह हो गया ठीक वैसे ही हमारा परिवार भी तबाह हो गया। बेटे तुझे एक रहस्य बताना है। बेटे कौन सा रहस्य? हमारे गांव की लड़की से इस वीरेंद्र ठाकुर की शादी कराई थी,
और उसी गांव में भवानी प्रसाद कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था। एक दिन की बात है, इनकी पत्नी को जो दहेज में खेत मिला था उसमें भवानी प्रसाद से कुआं कुदवाया। ए रामू, जल्दी जल्दी खोद रहे। ठीक है वीरेंद्र ठाकुर जी, आप बहुत किस्मत वाले हैं, 30 फीट में ही पानी मिल जाएगा। अरे वो सब मैं जानता हूँ, जल्दी काम करो ना, मैं जरा बराबर में होके आता। ठीक है। सुनिए, जब लौटेंगे तो इसके लिए रिबन और फ्रॉक लेते आना, याद रहेगा ना? ठीक है। मालिक, ये देखिए बक्सा मिला है। बक्सा? जी हाँ। दिखा क्या है? गहने। मालकिन, मालकिन, तुम वाकई बहुत किस्मत वाली हो, जमीन तुम्हारी है इसलिए आधे गहने तुम रख लो, मैंने खुदाई कराई आधे गहने मैं रख लेता हूँ। ये तो पाप होगा, भूमि से जो धन मिलता है वो फलता नहीं है, इन्हें अगर हमने अपने घर में रखा तो अपशगुन होगा। मैं ले जाके प्रधान जी से बात करती हूँ। रुक जाओ। और मैं तुझे वहाँ से लेकर शहर चली गई बेटा। ये तुझे किसने मारा? भवानी प्रसाद ने। आपने सही कहा, वो आप दोनों को भी ढूंढ के मारना चाहता है। इस लड़के को लेकर आप किसी दूसरे गांव में चले जाओ, जल्दी जाओ। उसके खिलाफ मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन भवानी प्रसाद ने पैसों के बल पर केस दबा दिया। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाई बेटा। इनकी पत्नी को मारकर इन पर उसने बड़ा जुल्म किया है बेटा। कई दिनों के बाद मैं वापस गांव आई, भवानी प्रसाद की बहन से इन्होंने शादी कर ली है। जब मुझे पता चला तो फौरन इस गांव से मैं वापस चली गई। तभी से मैंने तुझे भी इस गांव से बहुत दूर रखा है। पार्वती जी, मैंने सोचा था मेरी पत्नी किसी हादसे में मरी है, लेकिन नहीं जानता था कि उसका खून हुआ है, मुझे माफ कर दो। दादी माँ, उस खूनी दरिंदे का मैं अंत करके रहूंगा, चांद से मार डालूंगा उसे। तू उस पापी का अंत करके रहेगा, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ बेटा, लेकिन वो सब करने से पहले तू मेरी एक बात मानेगा ना बेटे? हाँ बोलो दादी। मैं तो अब बहुत बूढ़ी होगी, मेरे मरने से पहले तू शादी कर ले बेटे। पद्मा से अगर तू शादी कर लेगा तो इनके परिवार को सहारा मिल जाएगा। तू मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी करेगा, ऐसा मुझे वचन दे बेटा। बेटे, अगर तू मेरी ये बात मान लेगा तो आराम से मैं अपनी आंखें बंद कर पाऊंगी। मुझे वचन दे बेटे, वचन दे बेटे। राजा पत्नी की शादी मैं करवाऊंगी, ऐसा मैं खुद आपको वचन देती हूँ। दादी माँ, हमारे परिवार का सर्वनाश करने वाले उस खूनी को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके काले कारनामों को उजागर करके, कानून के हवाले करके उसे फांसी की सजा मिले, ऐसे सबूत पेश करूंगा। मुझे आपकी जलती हुई चिता की सौगंध। राजा यहाँ कैसे आए? दादी के मरने पर तुम वहीं रहोगे मैंने सोचा था। वैसे दादी माँ के रसम के काम भी तो करने होंगे ना? नाटक मत करो, तुम्हारे होंठ हंस रहे हैं, तुम्हारी आंखों में आंसू भी नहीं है। तुम्हारे दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। रानी, हमारे प्यार का तुमने गला क्यों घोटा? बताओ रानी, प्यार को तुमने हाथ से फिसलने वाली कोई चीज समझा है? दुनिया में इंसान पैदा होता है क्या सिर्फ त्याग करने के लिए ही? बोलो।
मैं इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब तुम दोगे? कैसा सवाल? मरने से पहले तुम्हारी दादी के सामने तुम्हारा हाथ रखकर वचन दिया था, वो वचन अगर पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारी दादी की आत्मा को शांति मिलेगी क्या? बताओ। जिस सवाल का कोई जवाब नहीं, ऐसा सवाल पूछ के जवाब का इंतजार कर रही हो? खामोशी ही इस सवाल का जवाब है रानी। ऐसे सवालों का जवाब अक्सर यहाँ लिखा रहता है। सुनो, मेरे तीन तीन रिश्ते टूट गए हैं, अब अगर चौथा भी टूट जाएगा तो मेरे लिए चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन अगर पद्मा की ये शादी टूट गई तो फिर शादी कभी नहीं हो पाएगी, और अगर किसी ने उससे शादी करने की कोशिश भी की तो वो भवानी प्रसाद उस आदमी को मार डालेगा। हमारा प्यार बिछड़ने के लिए, पद्मा की शादी रोकने के लिए वो भवानी प्रसाद ही जिम्मेदार है। उसे मार के पद्मा की पसंद के लड़के से मैं शादी करवाऊंगा। पद्मा के दिल में तुम ही बसे हो राजा। जब से श्याम बाबू से तुमने उसकी शादी रोकी तभी से वो तुम्हें अपना बना। अरे सुनो बैंड वालों, तुम जानते हो राजा के साथ मेरी शादी होने वाली है। ये क्या पद्मा, तुम क्या कह रही हो? इसीलिए तो शादी के मंडप से वो मुझे उठा के ले आया था, क्योंकि राजा मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। राजा ने दादी के सामने वचन भी दिया है। देख लिया ना राजा, मैंने जो कहा वो सच है ना? राजा हमारा प्यार भूल जाओ, सब भूल जाओ। हमारे प्यार के बारे में अगर वो जान गई तो जीते जी मर जाएगी। तुमने जो प्यार मुझे दिया उससे भी कहीं ज्यादा प्यार तुम पद्मा की झोली में डालोगे, ऐसा मुझसे वादा करो। नहीं करूंगा, कोई वादा नहीं करूंगा। अच्छा मैं चलती हूँ। राजा पद्मा यहाँ आ रही है, पद्मा के यहाँ ऊपर आने तक अगर तुमने वादा नहीं किया तो मेरा मरा मुंह देखोगे, मैं अपनी जान दे दूंगी, वादा करो। अभी तक यही हो, बापू घर पे इंतजार कर रहे हैं। ये क्या, अभी तक कपड़े नहीं बांधे? नहीं पद्मा, सोचा तुम खुद आके बांध लोगी, वो भी तो इसी इंतजार में है। छी, बस बस। क्या हुआ, मुझे ऐसे देख के आश्चर्य हो रहा है, तुम्हारा काम करना मुझे अच्छा लगता है। ये कपड़े तुम्हारे हैं, ये धोती भी तुम्हारी है ना? देखा मैंने बिल्कुल सही पहचाना ना, ये तौलिया छी हमारी नहीं, शायद इनकी होगी। ठीक है मैं जाके अटैची में सारा सामान भरती हूँ। राजा ये जो कपड़े हैं तुम्हारे ही है ना, और ये थैला, ये राधा कृष्ण की मूर्ति तुम्हारी है ना? अरे रे माँ का फोटो भी है, मैं रोजाना इनकी पूजा किया करूंगी, क्योंकि जो देवता होते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। बाप रे सामान बंद गया, चलो चलो घर चले। सुनो रानी, इतने दिनों तक राजा का ख्याल रखे तुमने हंसते हंसते मुझे सौंप दिया, उसके लिए मैं तुम्हें क्या दूँ? तुम्हारे बच्चों को खिलाने का सौभाग्य मुझे देना। बस इतना ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरी शादी की देखभाल तुम्हें ही करनी होगी। ठीक है जरूर करूँगी। हाँ देखो इसकी भला अब हमें क्या जरूरत है, तुम ही रख लो। ठीक है चलो चलते हैं। सब कुछ अपने आप करके अब तुम क्यों रो रही हो? नहीं पिताजी, राजा और पद्मा की शादी से मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। रानी ये बात मुझे देखकर कहो बेटी। पिताजी पिताजी मैं राजा को अपने घर पर ले आई। ठीक है अंदर लेके जा बेटी। राजा इस पलंग को देखा, इसका बहुत बड़ा इतिहास है। ये पलंग मेरे दादा के जमाने से रखा हुआ है। पता है मेरी माँ को भी इसी पलंग का सौभाग्य मिला था, और इसीलिए सबके यहाँ लड़कों ने जन्म लिया और माँ के यहाँ मैंने लड़की बन के जन्म लिया। लेकिन अब इतिहास को
बदलना है। मुझे तो लड़का चाहिए राजा। क्या हुआ, मूड क्यों डल है? मैं समझ गई क्या सोच रहे हो। यही ना कि अभी शादी हुई नहीं और मैं तुम्हारे सामने लड़का पैदा करने का राग अलाप रही। अगला महीना सावन का है, इसलिए हमारी शादी सही वक्त पे होगी। मुर्गा भी तू मेरी हीरे की है अंगूठी, तेरी कमर बल खाती है, मेरे दिल को धड़काती है, मौसम पे तू छा जाती है, ओ मेरी रानी। चलाओ। आज तक नौकर हमारे घर में काम करते थे, अब सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। चुप कर।
तू मुझे क्या समझती है? आज भी गबरू जवान हूँ। ज्यादा जवान चलाएगी तो जबान बाहर खींच लूंगा। काम कर। सब तेरी वजह से हो रहा है। ज्यादा चिल्ला मत। ये क्या कर रहा है? तोड़ दूंगा। काम कर, जल्दी कर। पिताजी, क्या बात है, आप इस तरह से चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? पद्मा की तुझसे शादी नहीं हुई ये सोचकर मैं चुपचाप नहीं बैठा हुआ हूँ। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर मैं वहाँ पर एक फैक्ट्री बनवाने वाला हूँ। मैं खजाने की बात कर रहा हूँ और आप हैं कि फैक्ट्री लगवाने की बात कर रहे हैं। फैक्ट्री बनाने के लिए क्या हमें किसी पागल कुत्ते ने काटा है? फैक्ट्री के लिए फाउंडेशन खोदने के बहाने कोई ना जान पाए वैसे सारी जमीन खोद कर सुरंग तक पहुँच जाएंगे और वो खजाना हमारे हाथों में होगा। बहुत बढ़िया पिताजी, बहुत बढ़िया। कल ही इस काम को अंजाम देने के लिए शहर से मजदूर बुलाऊंगा। क्या भैया, गांव में गाड़ियों पे गाड़ियां आ रही हैं? वो शाम का बाप गांव में फैक्ट्री जो लगाने वाला है उसी के लिए होंगी। हाँ, गांव के मेरे दोस्तों और भाइयों, इस गांव की उन्नति के लिए, इस गांव को मशहूर करने के लिए मैं यहां पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाने जा रहा हूं। ये क्या कह रहे हैं, गांव के पुराने किले को तोड़ देंगे क्या? यहां पर कोई किला है ऐसा तुम लोग ही बोल रहे हो, लेकिन किले से क्या गरीबी दूर हो गई है? अगर मेरी फैक्ट्री बन जाएगी तो किसानों को बहुत फायदा होगा। फसल के पैसों से उनकी बहुत बड़ी कमाई होगी। गांव के बेरोजगारों को काम मिल सकता है जिससे गांव की गरीबी मिट जाएगी, क्योंकि यही मेरा एक सपना है। हम लोग आज से ही यहां पर खुदाई का काम शुरू करने वाले हैं। आप सब लोग अपने अपने घर जाइए। मक्कार शास्त्री, मालिक, शहर से आए सभी मजदूरों को माला पहनाकर काम शुरू करेंगे। शुभम। तू यहाँ? हाँ मैं ही। जरा इधर आओ। भवानी प्रसाद, गांव वालों को झूठ मूठ का भाषण देकर बहुत बढ़िया तरीके से तुमने उन्हें उल्लू बनाया, लेकिन मैं उल्लू नहीं बनूंगा। क्यों रे, तू ये क्या बोल रहा है? तुम इधर से खोदना शुरू करोगे तो मैं उधर से खोदना शुरू करूंगा, यानी ये मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। क्यों रे, ये हिचकोले क्या है? जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। तू जो भजन गा रहा है ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये क्या है? खजाना और क्या, गहने। अरे तू अचानक मेरे पीछे कहाँ से पड़ गया रे? तुझे हिस्सा दूंगा, हाथ मिला। अपने दोनों हाथ पैर काट के मुझे हिस्से के तौर पे दोगे क्या? चैलेंज कर रहा है। तुम्हारे भोलेपन का मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है, फूटा हुआ नारियल। मालिक, वो जो बोल के जा रहा है उससे तो लगता है झंडा सर से नीचे। तू अपना मुंह बंद कर, जब ये सब मेरे साथ हैं तो वो क्या करेगा? आ, अरे खड़े खड़े क्या देख रहे हो, काम करो। राजा आ गया, जल्दी यहां से निकलो। Yeah.
क्यों रे, कौन है? क्या मेरा यहाँ सोना पसंद नहीं आया क्या? तू यहाँ पर क्यों आया? तुमने मुझे किले में खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारे ही घर में घुस कर तुम्हारे पास में ही आकर लेट गया। सुन, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, मैं सिर्फ ये तेरे हाथ नहीं लगने दूंगा। सिर्फ ये ही मेरे हाथ से नहीं जाएगा। सुन, न जाने तेरे जैसे कितने लोग मेरे सामने आए और इस तरह से झड़के रह गए। ये देख, 35 साल से उगाई हुई मूछे हैं ये। तेरी उम्र मेरी मूछ के बराबर भी नहीं है, तो तू मेरा क्या कर पाएगा? मैं तुझे गंजा बना के छोड़ूंगा, ये मूछे भी सफा चट करवा दूंगा और गांव के लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। गांव के सारे लोग मेरे ही साथ में हैं, उन्हीं लोगों से बोलकर मैं तुझे इस गांव से खदेड़ दूंगा। ठीक है, देखते हैं। फूटे हुए नारियल। मैं देख लूंगा। बस यही बात है, बाकी आप लोगों की मर्जी, वो देखो आ रहा है। क्यों रे राजा, तू इनकी फैक्ट्री बनने से क्यों रोकना चाहता है? हमारे गांव की तरक्की से पसंद नहीं है ना? हमारा गांव जो फैसला करता है उसी में सब होता है। ए, हमारे परदादा ने इस गांव में धर्म युद्ध किया था, हम यहाँ किसी की भी जान लेने में हिचकिचाते नहीं है। सुन, भवानी प्रसाद यहाँ फैक्ट्री लगा के हमारा भला करना चाहते हैं। शराफत से तू यहाँ से चला जा, वरना हम तुझे धक्के मार के निकाल देंगे। अरे अब बस भी करो, गरम खून है, एक बार के लिए इसे छोड़ दो। दोबारा अगर इसने ऐसा किया तो टकला बनाकर, मूछ निकालकर, गधे पर बिठाकर, पूरे गांव में घुमाकर इसे गांव से बाहर निकाल देंगे। साहब, ये काम दिए गए वक्त से पहले निपटा दो, मैं तुम लोगों को बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अरे जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी। चाहे कुछ भी कहो पिताजी, आपने जो चाल चली वाकई उसका जवाब नहीं। ये क्या बोल रहे हो? उस राजा को बिना डंडों के मारा है, उसे गालियां भी दिलाई और गांव से भी निकाल दिया। ये क्या पिताजी, लोग उसे पालकी में बिठा के ला रहे हैं? मालिक, ये राजा तो भेष बदल कर पालकी में बैठकर यहाँ आ रहा है। अरे भेष छोड़ो, पूरा पासा ही पलट गया। क्यों, ये सब क्या है? भवानी प्रसाद जी, सबसे पहले इस काम को रोकिए। क्यों रोकूं, ये सब नाटक क्या है? क्षमा करना यजमान, ये राजा साधारण मनुष्य नहीं है, ये हमारे गांव में आए हुए देवता है। जी हाँ, रात देवी कनक दुर्गा राजा के सपने में आई। यहाँ फैक्ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत होगी तो मैं फिर से आके बताऊंगी। कहा कौन है वो कनक दुर्गा? दैविक शक्तियों का अपमान करता है रे, महिषासुर का वध करने वाली, राक्षसों को मिटाने वाली, उनके वंश का संहार करके उनके नर मुंडों से माला बनाने वाली देवी को तू नहीं जानता है? डम 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 शिव शंकर भोलेनाथ का डमरू बाजे, सप्त समुद्र में गूंजे उनकी डमरू की आवाज,
ग्रह उपग्रह समस्त लोक में क्रोध में आकर वो तांडव करते। आकाश पृथ्वी जीव जंतु समस्त भूमंडल में त्रिनेत्र की किरणें हमेशा फैला करती हैं। जिनका आदर करते हैं पूजा करते हैं उन देवताओं का समस्त लोगों के बीच में परिहास उड़ाने का प्रयत्न करता है पापी दरिंदे। सुन, ऐसे भाषण से मैं नहीं डरने वाला। भवानी प्रसाद जी, यहाँ पर अगर देवी माता का मंदिर बन जाएगा तो पूरे गांव में खुशहाली होगी, ऐसा स्वयं देवी माँ ने सपने में कहा। देवी माँ इसके सपने में आई, इसकी क्या गारंटी है? सब झूठ है। तुम जैसे लोगों का अंत बहुत ही समीप है मूर्ख कहीं के। देखो, तुम सबके सब लोग इसके माया जाल में फंस चुके हो। वैसे देवी माँ मर्दों के सपनों में कैसे आएगी? देवी माँ को अगर आना ही होता तो लड़की के सपने में आती और आकर उस लड़की को बताती। किसी लड़की के सपने में आई हो तो बताओ, मैं मानूंगा। कहती है माता हमें छोड़ेगी ना वो तुम्हें, कहती है माता हमें छोड़ेगी ना वो तुम्हें। कहती है माता हमें छोड़ेगी ना वो तुम्हें। हे इसकी मुंडी झटक पटक पटक झटक, यहाँ आके दे दे अपनी तू झलक 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 झलक। उसके बल उसकी शक्ति से आज नहीं बच पाएगा, अपने पैदा होने पे तो आज बहुत पछताएगा। चाहे कुछ भी तू कर ले, मिटना है तुझे सुन ले। ओम काल कलकत्ते वाली माँ, तू ही तो है महिष से हरने वाली माँ। ओम माता छन्मुक्त के, ओम चंडी ओम राध के, तू सबको जीवन बांटे, तू ही सबका भाग लिखे। कहती है माता हमें छोड़ेगी ना वो तुम्हें। बोलो माते। पापों की रस्सी में लटक 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 लटक, अपने हाथ से खो दी खाई में अटक 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 अटक। चल कपट की तेरी भाषा सुन और नहीं चल पाएगी, तेरा घमंड टूटेगा तेरी इज्जत भी मिट जाएगी। अब भी है समय क्षमा मांग ले, या फिर तू गया जान ले। जो हो अंतिम इच्छा बोल दे, हे या फिर अपने सच कबूल ले। ओम माता छन्मस्त के, ओम चंडी ओम राध के, तू सबको जीवन बांटे, तू ही सबका भाग लिखे। कहती है माता हमें छोड़ेगी।
देगी ना वो तुम्हें। ओम शांत हो जाओ माते, शांत हो जाओ माते। मेरी शांति के लिए मेरी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। तुम्हारी इच्छा क्या है माते? क्या भवानी प्रसाद को यहाँ पर फैक्ट्री नहीं बनानी चाहिए? भवानी प्रसाद की फैक्ट्री बननी चाहिए। सुन लिया, सबने सुन लिया। तो फैक्ट्री बनाने में रुकावट क्या है माते? फैक्ट्री बनाने से पहले मेरे मंदिर की स्थापना करनी होगी। उसमें मेरी मूर्ति सोने की होनी चाहिए। नहीं माते, करूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं रे। तो क्या करना होगा माते? तुम बाप और बेटे दोनों मिलकर एक साथ में मूर्ति चढ़ाना। उसके बाद दोनों को गंजा होना पड़ेगा। ये क्या बोल रही हूँ माते? फिर 10 गांव में भीख मांगना, महायज्ञ का आयोजन करके हमारे कार्यों की पूर्ति करनी होगी। मेरी बात सुनो माते, इस मंदिर से सर मुंडाने का क्या संबंध है माते? ए, सुनो गाँव वासियों, सब लोग मिलके इस बाप बेटे का सर गंजा कर देना, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। इस गांव की खुशहाली के लिए तुम दोनों को गंजा होना ही पड़ेगा। ये हमारी देवी माँ की आज्ञा है, आप दोनों को गंजा होना ही पड़ेगा। हमारे इस गांव की खुशहाली के लिए तुम दोनों को गंजा होना होगा। झंडा गंजा हो गया। ये वसंत का मुहूर्त है, मुहूर्त बहुत अच्छा है, कार्यक्रम शुरू कीजिए। अन्नपूर्ण देवी भवते भिक्षां देहि। भिक्षां देहि? अरे लगता है हमारे घर में कोई भीख मांगने आया है। हमारे घर में? हाँ। अरे श्याम बाबू है, श्याम बाबू। हमें भिक्षा दो माते, भिक्षा दो। किसी को भिक्षा देने का हमारे घर में रिवाज नहीं है भैया। अभी भिक्षा दे दो, मैं रात को फिर आऊंगा, चित्रांगनी को श्रृंगार करा के तैयार रखना। अरे टकला बना दिया, ये क्या कम है, पागलों से बातें किए जा रहा है, हम सचमुच में पागल हो जाएंगे। चलता हूँ, चलो चलो। श्याम बाबू, जिसे कुछ नहीं हो पाता है वो हमारे भैया बन जाते हैं। बापू करमचंद गांधी जी, तुमने उपवास रखे ये पद यात्रा कैसे करी थी? हमारी तो यह जानी निकल रही है। कभी किसी की हत्या नहीं की। पिताजी, ये गांधी जी बोल रहे हैं। ना ही किसी के साथ धोखाधड़ी ना अन्याय किया है, इसीलिए वो महात्मा कहलाते हैं। लेकिन तुम लोग आज ये सब करने की वजह से गलियों में भीख मांग रहे हो। राजाओं की तरह जीने वाले हम लोग भिखारी बनकर भीख मांग रहे हैं, ये सब तेरी वजह से हुआ है। भवानी प्रसाद, तूने मेरे खानदान के साथ में जो किया उसका फल तो भुगतना ही होगा। जब तक तेरे दिमाग में ये जेवरों की लालच भरी रहेगी तब तक तेरी हालत यही रहेगी। मर भी जाऊंगा तो नहीं बताऊंगा। अगर तू नहीं बताएगा तो तुझे हीरे जवाहरात नहीं मिलेंगे, बल्कि हाथों में हथकड़ियां पहननी पड़ जाएंगी, और हथकड़ियां अब तुमसे ज्यादा दूर नहीं है। आज से ही समझ लो तुम्हारा दुष्काल प्रारंभ हो गया। गुड मॉर्निंग सर। हेलो मिस्टर राजा,
इतने दिन कहाँ चले गए थे बिना छुट्टी की अर्जी दिए? सर आप जानते हैं ना, जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की थी रत्नगिरी गांव में कहीं खजाना छुपा है, मैंने बताया था, आप नहीं माने। और इसी के सिलसिले में मैं वहाँ एक आदमी से मिल के आया हूँ, क्योंकि तब मेरे पास आधार नहीं थे इसीलिए वो फाइल बंद कर दी थी। लेकिन जिस खजाने पर मेरा शक था उसी की रिसर्च के लिए मैं रत्नगिरी गया था। सर आप यकीन नहीं करेंगे, उसी गांव में एक भवानी प्रसाद नाम का एक आदमी रहता है जो उस खजाने को हथियाना चाहता है, मैं जान गया। और इसीलिए मेरी रिसर्च को एक पागल पर है इस प्रकार से बोलकर फाइल किसी के कहने पर बंद की गई है, ऐसा मुझे शक है सर। लेकिन अब मैं सबूत के साथ में आया हूँ, अगर डिपार्टमेंट की सहायता मुझे मिलेगी तो हम कामयाब हो जाएंगे। मिस्टर राजा, तुम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर हो, सीआईडी नहीं। यहाँ पर जो फाइल एक बार बंद हो जाती है उसे दोबारा नहीं खोलते, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। भवानी प्रसाद जैसे बड़े आदमी पर हाथ डालना तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। सर देश के पुरातत्वों को बचाने का काम केवल सीआईडी का ही नहीं होता है, देश के हर नागरिक को होता है, ये भी न जानकर तुम मुझे सबक सिखाने चले हो। कानून अपने हाथ में लेकर गरीबों पर जुल्म करने वाला वो भवानी प्रसाद सबके सामने बताऊंगा कि कौन है, क्योंकि सारे सबूत होते हुए भी आप मेरी सहायता नहीं करना चाहते, यानी तुम भी उससे मिले हुए होंगे। मिस्टर राजा तुम हद से ज्यादा ही बढ़ रहे हो। नो, आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट की शान और शौकत बढ़े उसके लिए कुछ लोग रुकावट बने हुए हैं। उस भवानी प्रसाद के साथ साथ तुम भी शक के दायरे में आ गए। मिस्टर राजा मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। ये लो मेरा इस्तीफा, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, उस कमीने को मैं हथकड़ियां पहना के रहूंगा। हेलो भवानी प्रसाद जी। हाँ मैं ही हूँ, बोलो। आपके गांव में जो राजा रह रहा है वो हमारे ही डिपार्टमेंट का एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, इस केस की तहकीकात के लिए उसने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, इतने दिनों तक हमने इस इंक्वायरी को रोक के रखा था, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कल ही मैं आपके पास पहुँचने वाला हूँ, भले ही उसे बम से उड़ाना पड़े, खजाना हमें हासिल करना होगा। ठीक है, फोन रखता हूँ। क्या हुआ पिताजी? वो राजा का बच्चा न सीएडी वाला है न पुलिस वाला है। तो ये तो अच्छा है ना? अरे ऐसा नहीं है, वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का बड़ा ऑफिसर है। हाँ? तब तो फिर हमारी मेहनत। झंडा नीचे गिर जा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऊंचा करके ही रहूंगा। सुन मक्कार शास्त्री, कल सुबह राजा यहाँ गांव में आने वाला है, जैसे वो गांव में आएगा उसका मान सम्मान करने के बहाने। सुन रे श्याम। जी पिताजी। तुम और नागभूषण मिलकर राजा की उस पद्मा को ले जाकर किले के बाहर दूसरी तरफ बांध देना, क्योंकि अगर राजा हमारे रास्ते में आया तो पद्मा से उसे ब्लैकमेल कर सकते हैं। ठीक है पिताजी। ये ले पैसे। अरे वाह कितने सारे पैसे। आ जाओ। तू मुझे कहाँ ले जा रही है? मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, जो मैंने कहा बस वही कर। वो राजा किसी भी समय इधर से आ सकता है, मेरा आदमी इसके साथ बलात्कार करने जैसा नाटक करेगा, वो बचाने के लिए अंदर आएगा, हम दबोच लेंगे और बेहोशी का इंजेक्शन लगा देंगे, वो यही रहेगा। इसके साथ गलत हरकत करनी चाहिए ऐसा बोलकर पुलिस में फोन कर देंगे, पुलिस वाले आकर राजा ने इसकी इज्जत लूटी ऐसा केस बनाकर। मेरी इज्जत कहाँ लूटी उन्होंने, है ना माँ? हाँ। अरे वो तो हम लोग जानते हैं कि उसने तुम्हारी इज्जत नहीं लूटी, लेकिन झूठा केस बनवाएंगे भवानी प्रसाद के खिलाफ, जो उसने आवाज उठाई है उसे दबाकर। अरे वो आ गया, जल्दी 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 कर।
रेशा हो ओ, 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 और जवां हमेशा हो ओ, 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 ये ला, ये ला, ये ला, ये ला, गिला, गिला, दिल का वो मेहमान हो वो हो मेरी नजर में कोई मैडोना उससे खेलूं मैं जैसे खेलूं खिलौना टिक 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 रामा लेने वाली तुम दोनों को तड़पा तड़पा कर मारूंगा आ, 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 आ,
अपना फर्ज निभाया है। मैंने उसे इसलिए मारा ताकि पद्मा की इज्जत पे कोई आंच ना आए। वो एक कमीना इंसान था। इस नेक काम के लिए भी तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां? इंस्पेक्टर साहब, किसी लड़की की इज्जत बचाने वाले के हाथों में हथकड़ियां पहनाना ये तो अन्याय है। आत्मरक्षा के जुर्म में आपने रानी को अरेस्ट करके लगता है कानून के साथ अच्छा नहीं किया है सर। मिस्टर राजा, चाहे जैसे भी हुआ हो, लेकिन हुआ तो खूनी है ना। अब खूनी कौन है इसका फैसला अदालत करेगी। बेटी रानी, मैं तेरी शादी नहीं करा पाया, इसीलिए तूने इस तरह मुझसे दूर जाने का सोच लिया। बेटी, राजा से ही तेरी शादी होगी सोचकर तूने यह मंगलसूत्र बनवाया था ना बेटी। इसे अपने हाथों से ले जाके नदी में बहा दे बेटी। अगले जन्म में ऐसे घर में पैदा होना जहां तुम्हारी शादी हो सके। इसे नदी में बहाने की कोई जरूरत नहीं है, ये पद्मा को पहना दो। रानी, अपने हाथों में हथकड़ियां पहनकर मुझे मंगलसूत्र पहनवाना चाहती हूँ। तुम्हारे प्यार को मैंने छीनने की कोशिश की, वो भगवान मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। रानी, ये सब विधि का विधान है। मंगलसूत्र लड़की वाले नहीं बनाती, ये जानकर भी मैंने ये गलती की। लेकिन राजा मेरे घर में रहने आया था तो सोचा एक ही घर का मामला है। अब मैं इस मंगलसूत्र का क्या करूंगी। राजा, ये लो, पहना दो। बेटी रानी, उस दिन मेरी खुशियों के लिए तुमने भगवान से मन्नत मांगी, वो भी अपनी खुशियों को त्याग कर। रानी, तुम्हारे वापस लौटने तक मैं किसी से शादी करके घर बसा लूंगा, ऐसा भूल से भी मत सोचना।